दामास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश राज्य लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट फटाफट जुड़ जाएं और हम लोग जो ग्रामीण प्रवेश और समाज के बारे में डिटेल से चैप्टर वाइज पढ़ाई कर रहे हैं, उसका अगला चैप्टर यानी कि जमीन का क्षेत्रफल यो मापन आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे अन्य साथी भी आपके जुड़ सकें। तो चलिए देखते हैं आज का अगला चैप्टर यानी कि ये चैप्टर को जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपके सामने है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जमीन मापन विधियाँ एवं उसके तत्व के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी कल्पना जो है यानी भूमि के मापन चित्रण अक्षांश और देशांतर की कल्पना जिनका प्रयोग सभी चित्रों में होता है यह श्रेय मिस्र एवं यूनानी लोगों को सर्वप्रथम जाता है। क्लियर हो गया होगा यानी कि मापने की जो इकाई है सभी चीज़ में चाहे जिस चीज़ की हो वो सबसे पहले श्रेय किसको जाता है, मिस्रवादियों को या यूनानवादियों को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये दोनों सही हो जाएगा, जैसे ऑप्शन में ऑप्शन मिलेगा दोनों तो दोनों सही हो जाएगा क्वेश्चन में। क्लियर, चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर ये जो है ज्यामितीय प्राचीन मिस्र एवं चीन की ज्यामितीय से आगे थी यानी यूनान में जो ज्यामितीय का दुर्प्रभाव लगभग कितने वर्षों से रहा या कब से रहा, ये 600 ईसा पूर्व से ये रहा है। ठीक है, क्लियर, चलिए अगला टॉपिक है। और ये इसमें जो है भारतीय उपमहाद्वीप में बात करते हैं, तो यहाँ शासक कृषि उपज की अंश जो 1/6 होता है उस पर भू राजस्व के रूप में कृषकों के संग्रहण किया करते थे। क्लियर, नेक्स्ट है बंदोबस्त का शुभारंभ सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ था, तो शेरशाह सूरी नामक जो थे उनके शासनकाल में बंदोबस्त का शुभारंभ हुआ था। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बात करते हैं भूमाप तथा अस्तित्व संबंधित स्वामित्व संबंधी अगला टॉपिक जो इसके नीचे है, भूमापन एवं स्वामित्व संबंधी अभिलेख जैसे भूचित्र खसरा खतौनी खेवट आदि निर्माण तथा रख रखाव की जो पद्धति का श्रेय जाता है वो राजा टोडरमल को जाता है। किसको जाता है, राजा टोडरमल को जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग डबल ट्रिपल स्टार लगा के लिख दीजिएगा। और यहाँ पर ही बात करते हैं राजा टोडरमल की, तो ये हरदोई से संबंधित थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि राजा टोडरमल कहाँ से संबंधित थे, तो ये हरदोई से संबंधित थे। ठीक, चलिए इसी के साथ अगला टॉपिक है आपका, इसमें पूछा गया है, इसमें जो कहा गया है इसमें अकबर के समय नाप के लिए जो विधि चलती थी वो इलाही गज चलती थी और जिसमें जो है 41 अंगुल के ये बराबर होता था। ठीक, यहाँ पूछा जा सकता है कि एक इलाही गज में कितने अंगुल होता है, तो 41 अंगुल होता है, ये क्लियर रखिएगा। ठीक, चलिए ये हो गया आपका। उसी के बाद ये इसके बराबर होता है तथा नापने की जो रस्सी होती थी वो 22 इलाही गज होती थी, माफ़ कीजिए 60 इलाही गज होती थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगला टॉपिक जो है इसमें, जैसे अंग्रेजों के शासनकाल में प्रथम बंदोबस्त में जो पैमाइश का कार्य अस्थाई जरीफ से संपन्न हुआ था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कहा गया है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो प्रथम बंदोबस्त या बंदोबस्त में पैमाइश का कार्य जो हुआ था वो स्थानीय जरीफ से संपन्न हुआ था। ध्यान दीजिएगा किससे, जरीफ से, यानी कि अंग्रेज़ों के कार्यकाल में क्या चलता था, जरीफ चलता था। क्लियर, और उसी के बाद द्वितीय बंदोबस्त में जो व्यवस्था थी वो कौन सी व्यवस्था थी, यहाँ देखिए वो गंटरी जरीब की पैमाइश से पैमाइश की जाती थी यानी गंटरी कहा जा सकता है। जरीब से एक नापने का जो है वो एक तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग जैसे पैमाइश हो गया गंटरी हो गया ये अलग अलग जो है अपने मतलब क्या कहते हैं साधन होते थे। ठीक, क्लियर, चलिए ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला है भूमापन विधि, भूमापन विधियाँ की जो है अन्य प्रकार की तमाम प्रकार की रीतियाँ थी जिसमें पहला जो है यहाँ पे जैसे जियोडेटिक पैमाइश है, यहाँ पे जियोडेटिक पैमाइश इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है इस पैमाइश की जो व्यवस्था होती है पृथ्वी की गोलाई का इसमें ध्यान रखा जाता है। क्या रखा जाता है, पृथ्वी की जो गोलाई है या गोलार्ध है
उसकी जो है ध्यान रखा जाता है इस पैमाने में, तथा संपूर्ण भारत को लगभग 250 वर्ग मील क्षेत्र के वर्गों के रूप में विभाजित करके प्रदेश राज्य की सीमाओं को सम्मिलित करते हुए इस मानचित्र को तैयार किए गए हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। और अगला टॉपिक है इन वर्गाकार जो सीटों को डिग्री सीट्स कहते हैं, इनमें प्रांत कमिश्नर, इसमें क्या क्या आते हैं, प्रांत आते हैं, कमिश्नरी आते हैं, जिला आते हैं, तहसील तथा ग्राम की सीमाएं दर्शाई जाती हैं। किस में दर्शाई जाती हैं, यहाँ पे देख लीजिए, जियोडेटिक पैमाइश में। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा जो है सतही पैमाइश, जिसको हम लोग धरातल मापन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है इस पैमाइश की जो है पैमाइश इसमें जो किया जाता है वो अधिक से अधिक 100 वर्ग मील क्षेत्रफल के लिए किया जाता है। जो अधिक है 100 मील या उससे अधिक है उसके लिए इसका किया जाता है सतही पैमाने से धरातल मापन की। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आबादी तथा खेतों की जो पैमाइश है वो निम्नलिखित तरीके से की जाती है, जैसे केवल जरीब प्रयोग करके हमें गंटरी अथवा सहजहानी जरीब सूजे झंडी लट्ठा और राइट एंगल की सहायता से पैमाइश भी की जाती है, यानी तमाम प्रकार से यहाँ पे है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे हर एक चीज़ के बारे में, तो यहाँ से चलते हैं आगे। और इसमें क्या है, यहाँ देखिए लिखा गया है कि कंपास में लगे चकती पर 360 के चिन्ह की चुंबकीय सुई द्वारा उत्तर दिशा में क्या है, उत्तर दिशा से बनने वाले कोण के अंश का की जो गणना प्रिज्म की सहायता से पढ़कर की जाती है उसे बियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बियरिंग कहते हैं। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो है हमारा भूमि सर्वेक्षण या भूमि सर्वे जो होता है उसके बारे में देखेंगे। और ये भी जो है एक प्रकार से जान लीजिए नाप ही होता है, जैसे ज़मीन के किसी भाग को नापकर उसका नक्शा बनाने को ही सर्वे कहते हैं या सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है, और इसकी पैमाइश का नाम ही सर्वे है, जब इसकी ज़मीन की किसी भी ज़मीन की पैमाइश या नापी जाती है तो उसी को सर्वे कहा जाता है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पे हम लोग एक एक टॉपिक को थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जैसे जरीब है, ध्यान दीजिएगा, जैसे जरीब है, जरीब क्या होती है, जरीब जंजीर से दूरी, देख लीजिए जिस जंजीर से दूरी मापी जाती है। जरीब एक प्रकार से जमी जो है फीते की भी होती है और लोहे की भी यानी जंजीर की भी होती है, तो जिससे दूरी मापी जाती है उसे क्या कहते हैं, जरीब कहते हैं। एक जरीब की मानक लंबाई कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा, एक जरीब की मानक लंबाई 66 फीट या फिर 22 गज के बराबर होती है, वहीं साथ साथ में 4 लट्ठे के बराबर होती है। और बात करते हैं लट्ठे की, जो है एक लट्ठे में कितना क्या होता है, तो एक लट्ठे में 8 फीट 3 इंच जो है होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जरीब में कुल कड़ियाँ कितनी होती हैं, तो जरीब में 100 कड़ियाँ होती हैं, और इस प्रकार प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होती है, 0.6 फीट या फिर 7.92 इंच के बराबर होती हैं एक कड़ी की लंबाई। क्लियर हो गया होगा, चलिए बहुत अच्छे। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और यहाँ पे सभी टॉपिक आपका जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये भी ध्यान दीजिए परीक्षा में पूछा जाता है कि 10 जरीब की दूरी जो होती है एक फल्ला के बराबर होती है और 80 जरीब की दूरी एक मील के बराबर होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट है जरीब की शुरुआत की गई थी वो 1620 ईस्वी से इंग्लैंड में की गई थी, यानी ब्रिटिश शासनकाल यानी ब्रिटिश से ही ये चली आ रही है, जिसका आविष्कार किसने किया था, एडमंड गंटर ने किया था। जरीब की शुरुआत किसने किया था, एडमंड गंटर ने किया था। क्लियर, चलिए और किस में, 1620 में इंग्लैंड में। नेक्स्ट है सूजा जानते हैं, चलिए नहीं जानते हैं तो यहाँ देखिए, करीब 18 इंच लंबा या लोहे का एक टुकड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, लोहे का टुकड़ा होता है, कितना बड़ा, लंबा 18 इंची, और इसके एक तरफ गाड़ने के लिए नोक और दूसरी तरफ पकड़ने के लिए चूड़ियाँ होती हैं, जिसे सूजा कहा जाता है। नेक्स्ट साथ साथ लाठा क्या होता है, एक जरीब के दाहिने तरफ की जो मुकामात की दूरी मापने में काम आता है,
उसकी एक एक कड़ी की दूरी पर निशान बने होते हैं। वहीं साथ साथ गुनिया या पीतल का या हाथी दांत का आयताकार 2 इंच का लंबा होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, गुनिया पूछा जाता है कि गुनिया किस चीज़ का बना होता है और इसकी लंबाई कितनी होती है, इसे नापा किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक, यहाँ पे देखिए, यह पीतल या फिर हाथी दांत का बना होता है और होता कैसा है, आयताकार होता है। लंबाई कितनी होती है, 2 इंच की होती है। क्लियर, आयताकार होता है, लंबाई 2 इंची होती है, हाथी के दांत का बना होता है या फिर पीतल का बना होता है। और इसके साथ किनारे पर जो है जरीब के निशान बने होते हैं। इसके माध्यम से नक्शे पर स्थित ज़मीन की पैमाइश की जाती है। क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छा। गुनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ झंडी होती है। झंडी क्या होती है, 10 फीट लंबी होती है। सामान्यतः इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 फीट लंबी होती है। और नीचे एक तरफ नुकीला होता है जिसको लोहे के फल लगा होता है जिसमें, और इसको ज़मीन में गाड़ा जाता है। जो दूसरी तरफ तिखूंटे और चौखूंटे पर लाल, सफ़ेद या हरे किसी भी रंग के कपड़े के तरह जिस पे फहराया जा सके, उस तरह से इसको दिखाया जाता है जिससे दूर से भी इसको देखा जा सके। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि झंडी क्या होती है और गुनिया लाठा ये सभी समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए यहाँ पे आप देखिए, नीचे थोड़ा डिटेल में दिया गया है कि इन्हें भी देखें, तो इन्हें भी थोड़ा पढ़ लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग इसके जो है पैमाने को भी देखेंगे। जैसे 20 कचवांशी बराबर 1 विश्वांशी होता है, क्या 20 कचवांशी बराबर 1 विश्वांशी के, वहीं साथ साथ 20 विश्वा बराबर 1 बीघा के। नेक्स्ट 1 बीघा बराबर जो होता है वो 55 × 55 गज के, यानी 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। क्लियर हो गया होगा, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3025 आ जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। और साथ साथ 1 एकड़ जो बराबर होता है वो 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। 1 विश्वा 1 बीघे के कितने होता है, 1 विश्वा अनुपात होता है, यानी कि 1:20 अनुपात के 1 विश्वा बराबर 1 विश्वा होता है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट है, भारत में बात करते हैं तो 1 बीघा जो है 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। और यहाँ अगला टॉपिक जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो खसरा, खतौनी, खेवट आदि निर्माण तथा रखरखाव की पद्धति का श्रेय जाता है वो राजा टोडरमल को जाता है। और एक इस कहाँ से संबंधित है, हरदोई से संबंधित है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा, अगला टॉपिक आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है हम लोग कंघी जो है, इसमें कंघी क्या होता है इसको आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए, उसी के साथ में है जो अभी हम लोग 5 टॉपिक ऊपर देखे। इसमें इसके माथे पर जो है जरीब कड़ी का रकबा निकालने के लिए बना होता है। ठीक, और प्रकार क्या होता है, यह चिमटे के आकार का जो पीतल का या लोहे का बना हुआ यंत्र होता है उसको हम लोग प्रकार कहते हैं। अगला है राइट एंगल क्या है, राइट एंगल लंब, जैसे किसी का लंब मालूम किया करना हो तो वहाँ पे राइट एंगल का प्रयोग करते हैं। साथ साथ जरीबी लाइन या खेतों में जो कोने होते हैं या बांकों या मेढ़ जो होते हैं, मोड़ों का यानी मेढ़ों का जो दाहिने बाएँ पड़ते हैं उनके समकोण बनाना इसका काम होता है। क्लियर, चलिए समझ में आ गया होगा। साथ साथ तकनीकी शब्दावली है यहाँ पे, देख लीजिए इसको, पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे चांदा या लंबा है, ये सब चांदा वंदा सब तो आप लोग जानते हैं। यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट होगा अभी हम जो है इसको डिटेल में बता देते हैं। ठीक, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए उम्मीद है आप लोग इसको रोक कर पढ़ लीजिएगा एक बार सनसनी निगाहों में। ठीक, चलिए उम्मीद है पढ़ लेते लिए होंगे या पढ़ पा रहे होंगे, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे थोड़ा इसको स्क्रीन शॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग जरीबी पैमाइश का सिद्धांत देख लेते हैं। ये त्रिकोणी जो है त्रिभुजीकरण होता है इसका। ठीक, क्या होता है, त्रिभुजीकरण होता है। त्रिभुजीकरण में समलंब, चतुर्भुज, षट्भुज, समबाहु, विषमकोण, ये सभी इसमें आदि में आ ही जाते हैं। त्रिभुज के ऐसा ही आकार होता है, इनमें सभी विशेषकर आते हैं। और इसी के साथ हम लोग जो आयताकार की बात करते हैं तो आयताकार में जो चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत अपनाई जाने वाली प्रणाली का जो लक्ष्य होता है, भूमि विद्यमान खेतों के सीमाओं के स्थान पर चकों का निर्माण करना ही इसका परिलक्ष्य होता है। ठीक, चलिए
ये सब आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे खसरे पे आ जाते हैं, खसरा इम्पॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं खसरा क्या होता है। खसरा स्वयं अधिकार अभिलेख नहीं है, ध्यान दीजिएगा, खसरा जो है एक स्वयं अधिकार अभिलेख नहीं है, किंतु अधिकार अभिलेखों की आधारशिला तो है ही। क्या है? आधार अभिलेख तो है नहीं, लेकिन इसकी आधारशिला है। और इसमें कितने खाने होते हैं? 22 खाने होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि खसरा में कितने खाने होते हैं? 22 खाने होते हैं। साथ साथ किसी आंकड़े और खतौनी, कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है, वे सब लेखपाल द्वारा खसरे में लिखे जाते हैं। किसके द्वारा? लेखपाल के द्वारा। कहाँ लिखे जाते हैं? खसरे में लिखे जाते हैं। क्लियर, बहुत अच्छे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। और इसमें क्या होता है, लैंड जो रिकॉर्ड्स होता है मैनुअल का, इसमें पैराग्राफ यानी का के 55 में वर्णन करता है कि खसरा और चित्र को अनुरक्षित करने के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव के जमीन के टुकड़े तथा उस पर गांव की सभी भूमि पट्टियों की परिभाषा दे, यानी बनाए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है, प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण होता है। किसका? खसरे का। जो खसरा होता है इसका नवीनीकरण कितने वर्ष में होता है? प्रत्येक वर्ष होता है। क्लियर, यहाँ देखिए लिखा गया है। नेक्स्ट है, खसरा जो होता है उसको गांव का नक्शा भी कहा जाता है। खसरे को क्या कहा जाता है? गांव का नक्शा कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे ये खसरा को ही गांव का नक्शा भी कहा जाता है। ये भी टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जो खसरा होता है उसको गाँव का नक्शा भी कहा जाता है। भारत में जो खसरा किसी गांव के ऐसे नक्शे को कहते हैं जिसका उपयोग उस गांव के खेतों या अन्य ज़मीनों की पट्टियों का कानूनी तौर पर स्वामित्व बताने हेतु प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है। जैसे गांव की पटवारी प्रत्येक पट्टी के लिए एक खसरा रखता है जिसमें लिखा होता है कि उस पट्टी का मालिक कौन है और उसे जो है उसे उस पर कौन सी फसलें उगानी हैं। ये सारा डिटेल किस में होता है? खसरे में होता है। क्लियर, चलिए इसके साथ खसरे के बाद यहाँ पे ये व्यवस्था जो है यानी पटवारी प्रणाली का जो प्रारंभ हुआ था ये सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल से हुआ था। किसके शासनकाल से? शेरशाह सूरी के शासनकाल से। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर ने इसे बढ़ावा दिया तथा ब्रिटिश बढ़ावा किसने दिया? मुगल सम्राट अकबर ने। और ये ब्रिटिश काल में इसमें जो है मामूली परिवर्तन भी किए गए, थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किए गए, लेकिन 1918 में सभी गांवों में जो है सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में लेखपाल नियुक्त कर दिए गए। तो यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और इसी के साथ साथ अगला टॉपिक जो है ये इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में पटवारी का पद समाप्त करके जो है लेखपाल का पद कर दिया गया। किसके शासनकाल में? चौधरी चरण सिंह के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। किसका पद? पटवारी का पद। और क्या नाम रख दिया गया था उसका? लेखपाल कहा जाने लगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पटवारी को पटेल, करनाम अधिकारी या फिर सान बोनरू आदि के नाम से भी जाना जाता था या कहा जाता था। क्लियर, नेक्स्ट आपका टॉपिक खतौनी। खतौनी क्या होता है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। खतौनी यह शब्द उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है, किंतु अधिनियम में वार्षिक रजिस्टर नामक जो कागजात धारा 33 में वर्णित है वही खतौनी के नाम से जाना जाता है। क्लियर, टॉपिक आपका। इसमें ये देखिए एक मिनट, इसमें कहा गया है कि जो भी अगर गांव में जो खसरा का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार में जमीनी की सूचना बनाई जाए तो उसे ही क्या कहते हैं? खतौनी कहते हैं। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, अगर गांव के खसरा का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की जमीन की सूचना बनाई जाती है तो उसी को ही खतौनी कहा जाता है। और इसे कितने वर्ष पे नया या नवीनीकरण इसका किया जाता है, बदलाव किया जाता है? तो इसका 6 वर्ष की साल पे नवीनीकृत किया जाता है। किसका? खतौनी का। वहीं पे खसरे को कितने साल में? 1 साल में, यानी प्रत्येक साल किया जाता है। क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पे अगला टॉपिक जो है, किसी व्यक्ति या परिवार के सभी खसरों की सूची उस व्यक्ति परिवार की खतौनी में होती है। और अगला टॉपिक है, खतौनी 6 साल में एक बार तैयार किया जाता है, यहाँ पर दिया गया है। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग इसके साथ ले सकते हैं, ये आप लोग के ही लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैंने ऊपर पढ़ा सेम है यहाँ पे। इसी के साथ अगला टॉपिक जो है हम लोग का यहाँ पे है, इसमें प्रिज्मेटिक जो कंपास संप्रेक्षण है वो क्या है इसमें बताया गया है।
तो यहाँ पे ये सही सही जो माप होता है उसी को ही प्रिज्मेटिक सर्वेक्षण या जरीबी पैमाइश द्वारा संभव हो पाती है। किसके द्वारा? प्रिज्मेटिक सर्वेक्षण द्वारा। किसकी सही सही माप? चाहे वो खेत हो, गांव हो, नदी हो, सड़क हो या रेलवे लाइन हो, इसके नक्शे को अगर सही सही मापना है तो प्रिज्मेटिक सर्वेक्षण के द्वारा मापा जाता था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, ये तो आप लोग समझ ही गए हैं, अब इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगला है जो तख्ता मुसत्तर से पैमाइश है, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखिए इसमें क्या होता है। इसमें जो सीने की ऊंची टिपाई होती है, इसके ऊपर लगे होने के कारण तख्ता मुक्तत पर भूमापन जो संबंधी कार्य खड़े रहकर इसमें किया जाता है, यानी कि कार्य जो होता है इसमें क्या होता है, खड़े रहकर किया जाता है, इस प्रकार से कहा गया है इसमें। और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एक टॉपिक अगला जो है, जैसे एक मिनट, कहाँ गया, ये देखिए इसमें इसकी सहायता से जो तख्ता मुसत्तह होता है पर लगे ग्राफ पेपर, जो भी उस पर जो ग्राफ पेपर लगे होते हैं उसमें भू चित्रण कार्य तत्काल किया जाना संभव होता है, यानी तुरंत आप कर सकते हैं इसको। और यहाँ तक कि केवल जरीब जो होता है या जरीबी होते हैं उस आधार पर लाइनों को मापकर किसी स्थल का खाका शीघ्र यानी जल्द से जल्द तैयार भी कर सकते हैं, ये इसकी खास बात होती है। ठीक, चलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बर्नियर आ जाता है, बर्नियर तो सभी लोग को मालूम है। तो बर्नियर जो है, इसका आविष्कार जो इसने किया है उनका नाम है पेरी बर्नियर। 1580 से लेकर के 1637 तक जो है इसको, इस पैमाने का उपयोग किया जाता था और इन्हीं के नाम पर ये पैमाना पड़ गया है। ठीक है, पेरी वर्नियर इनका नाम था और इन्हीं के नाम पर वर्नियर पैमाने का नाम भी पड़ गया है। और ठीक है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं इसके मुख्य बात की, तो इसका मुख्य बात यह है कि इसके खाके को जितने भाग होते हैं इसमें उतने ही भाग बर्नियर से भी बर्नियर में भी होते हैं, मतलब इसके खाके तो तैयार करने में जितने भाग होते हैं उसके भाग इसके बर्नियर में भी होते हैं, परंतु बर्नियर की जो विभाजित दूरी होती है वो खास पैमाने के भागों में एक इकाई कम होती है। कितना होती है? एक इकाई कम होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछा जा सकता है कि जो वर्नियर की विभाजित दूरी होती है उससे जो है इसका इकाई का मान कितना होता है, तो एक कम होता है, एक ज़्यादा होता है, इस प्रकार से ऑप्शन दे सकता है, तो एक कम होती है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा फैक्ट है जिसको हम लोग थियोडोलाइट के नाम से जानते हैं। थियोडोलाइट क्या होता है? तो इसमें थियोडोलाइट एक प्रकार का यंत्र है, ये भी एक मापन का यंत्र ही है जिसके सहायता से समतल कोण या ऊंचाई कोण की माप की जाती है। किसकी? समतल कोण या जो है ऊंचाई कोण की माप की जाती है। इसमें क्या होता है, इसके प्रयोग से जिनमें चार प्रकार के मुख्यता विशेष, इसकी चार प्रकार की विशेषताएं हैं जिसमें हम लोग जियोडेटिंग थियोडोलाइट, जैसे कि इसका चाप लगभग 10 या 12 इंच का होता है, इसके साथ साथ विशाल क्षेत्र यानी बड़े सूबे का जो है आकार का सर्वेक्षण या नाप किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ट्रांसिट थियोडोलाइट। इसमें क्या होता है, छोटे चाप होते हैं इसमें, जैसे 3 इंच या 4 इंच तक इसकी नाप लिया जा सकता है। इसमें रेलवे की पैमाइश हो गया, लंबी गोलाइयों का नाप हो गया, इस प्रकार से इसको नापा जा सकता है। और अगला ये टॉपिक है आपका एवरेस्ट डबल आर्क या थियोडोलाइट। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों जैसे कि 5 इंच के व्यास वाले चाप लगे होते हैं, दोनों तरफ इसके जो है 5 इंच वाले व्यास लगे होते हैं और इसी के कारण ही इसका नाम पड़ गया है। क्लियर, क्या पड़ गया है, एवरेस्ट डबल इसका नाम पड़ गया है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसके सारे फैक्ट जो अभी मैंने डिस्कस किए यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा और थोड़ा कंठस्थ हो जाएगा। बाकी मैंने जो है इसकी चर्चा कर ही दी है, और साथ साथ हम लोग अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो पेंटोग्राफ है। क्या है? पेंटोग्राफ है। पेंटोग्राफ एक प्रकार का ये भी यंत्र ही है, ठीक है, जो मापने का यंत्र है जिसकी सहायता से किसी मानचित्र को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसी मानचित्र को
अगर घटाना या बढ़ाना है तो किसका प्रयोग करेंगे, पेंटोग्राफ का। क्लियर, इसमें केवल इतना ही जानना है और जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए थोड़ा एक टॉपिक और है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे पेंटोग्राफ को सीधा तथा पलट कर प्रयोग किया जा, चाहे उसको सीधा प्रयोग करिए, चाहे पलट कर प्रयोग करिए, चाहे जिस तरह से, प्रत्येक दिशा में जो है ट्रेसर की बड़ी भुजा के छेद से ही रखते हैं, जो भुजा के एकदम छोर में होता है। क्लियर, लेकिन खास बात यही है कि इसके द्वारा जो है मानचित्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। और साथ साथ अब यहाँ पे हम लोग जो भी है सबको छोड़ते हुए हम लोग चलते हैं खेतों की जो पैमाइश का प्रयोग पैमाना जात है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है तो इसको हम लोग देखेंगे क्या है ये क्या नहीं है। जैसे सर्वेक्षण के स्थान पर या अपनाए गए द्वारा जो पैमाना जात हैं वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे 16 इंच बराबर एक मील कृषक और खुली हुई भूमि के क्षेत्र के लिए होता है, वहीं साथ साथ दूसरा जो 32 इंच बराबर एक मील अत्यधिक छोटे खेत जैसे धान के बेड़ के बराबर होता है। अगला है 60 इंच एक मील के खेत तथा आबादी की पैमाइश में प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम लोग और टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है आपका, ये टॉपिक है अगला आपका नक्शा तैयारी के विभिन्न जो पैमाना जात हैं इसको जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ये अगला टॉपिक है। इसमें भूमि पर पैमाइश की इकाई मील कागज पर जो पैमाइश की इकाई होती है इंच होती है, क्या होती है, इंच होती है। इसके प्रयोग की सूची इस प्रकार है, तो यहाँ देख लेते हैं। जैसे कागज की जो भूमि पर पैमाइश होती है, जैसे एक इंच बराबर 25 मील, एक इंच बराबर 16 मील, एक इंच बराबर 8 मील, एक इंच बराबर 4 मील, एक इंच बराबर 1 मील, 4 इंच बराबर 1 मील, या फिर 64 इंच बराबर 1 मील। जो ये इसका कागज़ पर भूमि है यहाँ पे इसका ये इस प्रकार से नक्शे बनेंगे। जैसे ग्रेड ट्रिग्नोमेटिकल सर्वे नक्शे के लिए इसका मान ये होता है। और यहाँ पे एक इंच बराबर 16 मील जो होता है वो सूबा जात के नक्शों के लिए होता है। नेक्स्ट एक इंच बराबर 8 मील जो होता है वो जिलों के भौगोलिक मानचित्र को तैयार करने के लिए होता है। 4 मील जो होता है एक इंच बराबर वो जिलों की भौगोलिक मानचित्र के लिए ये भी होता ही है। नेक्स्ट है जिले के नक्शा जिसमें मवाज यात की सीमाएं होती हैं वो एक इंच बराबर एक मील होता है। उसी के साथ साथ 4 इंच बराबर एक मील जो होता है उसमें कस्बा होता है, छावनी, और उसके बाद आबादी की पैमाइश की जाती है। इसका आशय यही होता है। ठीक है, ये आशय हम लोग देख रहे हैं। 64 इंच बराबर एक मील जो गांव व कस्बे की आबादी की पैमाइश होती है उसके लिए ये इसका आशय होता है। ठीक, चलिए यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे हरबंदी की तकनीकी परख जो है ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है हरबंदी क्या है। तो हरबंदी का मुख्य उद्देश्य है कि मूल गाटा जो है आपका उसके मौके पर पुनः जो स्थापित करना होता है उसी को हम लोग हरबंदी कहते हैं। चकबंदी तो जानते ही हैं आप लोग कि जैसे किसी गाँव में यदि कोई व्यक्ति है तो उसके चारों कोने पर थोड़ा थोड़ा खेती का हिस्सा बटा हुआ है तो उसको एक जगह पर इकट्ठा करना ही आपका चकबंदी कहलाता है। उसी प्रकार से हकबंदी जो होता है, माफ़ कीजिए हकबंदी करें, हरबंदी जो होता है उसका जो है कार्य या उद्देश्य जो है मूल गाटा जो है आपका उसको मौके पर पुनर्स्थापित करना यानी कि पुनः जो है लागू करना, यही आपका हरबंदी होता है। ठीक, चलिए ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग एक बार, और उसके बाद ये है टॉपिक आपका। साथ साथ यहाँ पे हम लोग ये अनेक जगहों के जैसे आपके बहराइच, गोंडा, खीरी, लखीमपुर खीरी जो है, सीतापुर, अयोध्या, यहाँ पे विभिन्न अनुपात और ये यहाँ पे देखिएगा एक जो खाम बीघा में अंतर गज में है ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो एक पक्का बीघा होता है और कच्चे बीघे में जो अंतर होता है एक तिहाई होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, माफ़ कीजिए, यहाँ पे ये हरदोई का है, ये सभी बहराइच का, गोंडा का, ठीक है, जगह जगह का है। और उसकी जो है बीघे में जो वर्ग गज होता है वो कितना है ये भी यहाँ पे दिया गया है। क्लियर हो गया होगा। चलिए, लेकिन अयोध्या की विभिन्न होती है, अनेक प्रकार से अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ इसके हम लोग अंग्रेजी माप की तरफ जो बढ़ते हैं, वैसे अंग्रेजी माप इस समय जो है चलन में है अपने यहाँ, तो इसमें एक जो
होता है, इंच होता है, इंच में जैसे 12 इंच में कितना होता है तो 1 फीट होता है, यानी 1 फीट में कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। वहीं 3 फीट की बात करते हैं तो 3 फीट में 1 गज होता है, और 5 सही 1/2 गज में 1 पोल होता है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। साथ साथ 40 पोल के बराबर जो है 1 फरलाग होता है, और 8 फरलाग के बराबर 1 मील होता है, और 3 मील के बराबर 1 लीग होता है, और 4 पोल के बराबर 1 गंटरी जरीब होता है। ये सब आपका अंग्रेजी पैमाने के हिसाब से जो है मापन माप के जो है आंकड़े हैं, याद कर लीजिएगा इसको। इसी के साथ साथ हम लोग मीटरी जो माप है उसको भी देख लेते हैं। जैसे 10 ml यानी कि मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, या फिर 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर के, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर के, ठीक है। यहाँ पे सारे जो है पैमाने दिए गए हैं। 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टामीटर, 1 हेक्टामीटर बराबर 1 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर बराबर जो होता है 5 फरलाग के बराबर होता है, सर ठीक है। तो यहाँ पे और भी आपके मीट्रिक वर्ग माप भी दिए गए हैं, भूतापीय जो भारतीय भूमाप हैं उसके बारे में भी बताया गया है। जैसे 100, ये इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है मीट्रिक वर्ग मीटर में। जैसे 100 वर्ग मीटर बराबर 1 ईयर की होता है, 1 ईयर बराबर कितना होता है पूछा जा सकता है कि 1 ईयर बराबर कितना होता है, तो 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है। वहीं साथ साथ 1 हेक्टेयर कितने बराबर होता है, तो 1 हेक्टेयर जो होता है 100 ईयर के बराबर होता है। क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला है जैसे 10 कड़ी बराबर 1 गट्ठा, 10 कड़ी बराबर 1 गट्ठा, 20 गट्ठा बराबर 1 जरीब, या 55 यार्ड कह सकते हैं जिसको गज कहते हैं, यार्ड बराबर गज ही होता है। यहाँ पे 1 गट्ठा बराबर 8 सही 1/4 फीट, और 640 गट्ठा बराबर 1 मील, 2 गट्ठा बराबर 1 पोल, या फिर 5.5 गज कह सकते हैं। 80 गट्ठा बराबर जो होता है 1 फरलाग के बराबर होता है, ठीक है। ये सारी डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे अंग्रेजी भू माप के ये जो आंकड़े हैं इसको एक बार याद कर लीजिएगा, और साथ साथ अभी हम लोग अपने भारत की जो इकाई माप है उसके बारे में देखेंगे। ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बिल्कुल पढ़ के रखिएगा, नोटबुक में नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला भारतीय भू जो वर्ग की भू माप है वो यहाँ देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए भारत पहली बात करते हैं तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो पंचवासी होती है। क्या होती है, जो पनवासी होती है, यानी 20 पनवासी बराबर 1 अनवासी के बराबर होता है। वैसे आपकी जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है वो विश्वांशी मानी जाती है, या कचवांशी कह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको भी उससे भी ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन चलिए देख लेते हैं, 1 पनवासी बराबर 1 अनवासी होता है, 20 अनवासी बराबर 1 कचवासी होता है, और 20 कचवासी बराबर 1 विश्वांशी होता है, और इसी 1 विश्वांशी को ही धुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धुर कहा जाता है। कहते नहीं है एक धुर जमीन नहीं देंगे, तो वही है एक धुर, यानी 1 विश्वांशी बराबर धुर ही, विश्वांशी चाहे कहिए चाहे धुर कहिए। इसी के साथ अगला, 20 विश्वांशी बराबर 1 विश्वा होता है, और 20 विश्वा बराबर 1 बीघे के होता है। साथ साथ 1 वर्ग गट्ठा जो होता है, यानी गट्ठा गट्ठा जब गुणा करेंगे तो 1 विश्वांशी के बराबर ये हो जाएगा, और 32 विश्वा बराबर 1 एकड़ के बराबर होता है। और अगर बीघे की बात करते हैं कितना बीघा बनेगा, तो 1.6 बीघा आपका यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि 1 एकड़ में। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। साथ साथ 1 पक्का बीघा जो होता है वो कितने वर्ग गज के होता है, तो 3025 वर्ग के बराबर 1 पक्का बीघा की लंबाई होती है। तो कच्चे बीघा कितने होती है, 1/3 होता है, 1/3 भाग कच्चा बीघा के होता है। क्लियर, चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी के साथ यहाँ पे अन्य परिवर्तन भी है, परिवर्तन तालिका है, इसको आप लोग देखेंगे कैसे किसने परिवर्तन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको आप लोग स्क्रीन शॉट लेकर के पढ़िएगा और देखिएगा, ठीक। चलिए यहाँ भी दे लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा है, इसको बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आप लोग को, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसको भी आप लोग फटाफट। तो सबसे खास बात, अब हम लोग थोड़ा उत्तर प्रदेश के विधि मापन के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश 1 ईयर बराबर जो होता है 121 वर्ग गज के बराबर होता है, 1 वर्ग मीटर जो होता है 119.59 वर्ग के बराबर होता है, 1 बीघा बराबर 20 विश्वा होता है, 1 बीघा बराबर 25 ईयर के होता है, 1 विश्वा बराबर 151.25 वर्ग के बराबर होता है, और वहीं पे साथ साथ 1 वर्ग गज बराबर जो होता है 0.83613 वर्ग मीटर के बराबर होता है।
एक मीटर कितना होता है, 3.28 फीट होता है, 1 बीघा बराबर 2529 वर्ग मीटर के होता है, और वहीं उसी को ही एक वर्ग कहा जाता है। और 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज, 1 एकड़ बराबर 3200 बिस्सा, ये सब हो चुका है आप ऊपर हमने बता ही दिया है, और 1 ईयर बराबर 100 वर्ग मीटर के होता है। ठीक, चलिए ये सब आप लोग बिल्कुल याद करके रखें, इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर आगे भी है, ये जो है 1 एकड़ 1.6 बीघा, ये मैंने पता ही दिया। नेक्स्ट 1 बीघा 225 वर्ग गज, 1 हेक्टेयर 3.95 बीघा, 1 बिस्वा 20 धुर के, देखिए 1 बिस्वा बराबर 20 धुर कहिए या 1 विश्वांशी कहिए, 20 विश्वांशी कहिए, धुर और विश्वांशी एक ही है। नेक्स्ट है 1 लट्ठा बराबर, 1 लट्ठा बराबर होता है 99 इंच, कितना इंच, 99 इंच के बराबर होता है। और वहीं पे इसको अगर इंच में नहीं लिखना है तो 8 फीट 3 इंच के बराबर होता है, ये जानते ही हैं आप लोग, जो गांव में या शहरों में जो आपके छोटी छोटी सड़कें होती हैं वो 8 फीट 3 इंच की, जिसको एक कहते हैं एक लट्ठे का यहाँ पे चक्रोट है, ऐसा है वैसा है, ठीक आप लोग समझ पा रहे होंगे, वो 8 फीट 3 इंच का यानी कि 99 इंच का होता है एक लट्ठे बराबर। अगला जो है यहाँ तो एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जरीब जो है 20 मीटर लंबी होती है, कितना मीटर लंबी होती है, 20 मीटर लंबी होती है, और 20 मीटर लंबी जो होती है इसमें कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, अब क्वेश्चन को थोड़ा कर लेते हैं इसके, कि कौन से क्वेश्चन इसमें आने की संभावना है, किस प्रकार से क्वेश्चन इसके बनते हैं, चलिए साथ साथ देख लेते हैं, क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, जिसमें पूछा गया है कि किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की है। तो ये जो व्यवस्था प्रारंभ की गई है शेर शाह सूरी के द्वारा प्रारंभ की गई है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में जो प्रचलित धरातल की माप है कौन सा सही है इसमें। चलिए देखिए, अभी अभी हम लोग देखे हैं तो यहाँ पे 20 विश्वांशी बराबर जो है ये सही नहीं है, 20 विश्वांशी बराबर जो होता है या 20 धुर बराबर जो होता है 1 विश्वा होता है, ना कि 10 विश्वा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। जमाबंदी क्या होती है, तो जमाबंदी जो होती है वो आपका भू अभिलेखों के जो प्रलेख होते हैं उसी को जमाबंदी कहता है, कहा जाता है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है 1 विश्वा का 1 बीघा से अनुपात कितना होता है, 1 विश्वा बराबर जो होता है 1 बीघे से अनुपात कितना होता है, तो 1/20 अनुपात होता है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट 1 एकड़ में कितने वर्ग गज के बराबर होता है ये भी बताना है। चलिए तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, 4840 जो है वर्ग गज 1 एकड़ के बराबर होता है, यानी पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और साथ साथ अगला प्रश्न है 1 इलाही गज कितने अंगुल के बराबर होता है, ये सब टॉपिक मैंने बताया है और इम्पॉर्टेंट हेडलाइन करते हुए मैंने बताया है, 1 इलाही बराबर कितने गज होता है, तो 41 अंगुल के बराबर होता है, सॉरी मैं गज बोल रहा हूँ, कितने अंगुल के बराबर होता है, तो 41 अंगुल के बराबर होता है। क्लियर, चलिए इसी के साथ अगला, जरीब का आविष्कार किस देश से हुआ है, तो ये ब्रिटिश से हुआ है यानी इंग्लैंड से हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 1 बीघे में कितने विश्वे होते हैं, तो 1 बीघे में विश्वों की संख्या 20 विश्वा होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट यानी पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही है, जिसमें पूछा गया है कि 1 एयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है, चलिए फटाफट बताइए आप लोग। तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन जमीन माप लेखपाल के पास रहती है, सूजा जेरीब झंडी सभी, तो ये सभी जो है लेखपाल के पास रहती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला, गुनिया किसकी बनी होती है, तो गुनिया जो बनी होती है वो पीतल की बनी होती है, हाथी के दांत की बनी होती है, तो ए और बी यानी सी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, और इसकी लंबाई कितनी होती है, 2 इंच की इसकी लंबाई होती है, और ये इसकी आकार कैसा होता है, तो इसका आकार आयताकार होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मेट्रिक जरीब में 20 सेंटीमीटर लंबी वाली कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो इसमें जो कड़ियाँ होती हैं वो पहला ऑप्शन 100 कड़ियाँ होती हैं, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। लास्ट में मैंने ही ये बताया था कि एक जरीब में 20 सेंटीमीटर की लंबाई की जो होती हैं वो 100 कड़ियाँ होती हैं। क्लियर, ठीक, और लंबाई टोटल कितनी होती है, 20 मीटर की होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक हाथ किसके बराबर होता है, तो एक हाथ जो बराबर होता है वो चाहे वो आधा गज हो या फिर कह सकते हैं 18 इंच हो, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। इसी के साथ साथ कट्ठा किस काल की लंबाई माप की इकाई होती है,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही ये वैदिक काल का लंबाई मापक इकाई होती है, पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है जरीब एक प्रकार का क्या है, तो चाहे उसको चैन कहिए चाहे फीता कहिए, मैंने पहले ही बता दीजिए एक प्रकार से जंजीर भी होती है और फीते भी होते हैं, तो ए और बी दोनों ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है एक एकड़ में कितने बिस्सा होता है, तो एक एकड़ में 32 बिस्सा होता है, ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही। और बीघे की बात करते हैं तो 1.6 बीघा होता है। ठीक, चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर का है, कौन जरीब से संबंधित है, तो जरीब से जो संबंधित है सभी, चाहे वो शाहजहानी हो चाहे गट्टी हो या गट्टर हो, उक्त सभी सही है। अगला राजस्व माप की प्रमुख इकाई कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। शोध जो होता है ये वैज्ञानिकों के द्वारा होता है, ना कि राजस्व माप के द्वारा। ठीक है, चाहे बाकी बीघा गट्ठा ये सभी सही है। इसी के साथ अगला, एक योजन किसके बराबर होता है, तो एक योजन बराबर जो होता है वो 4 कोस के बराबर होता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट, सजरा का अर्थ क्या होता है, तो सजरा का अर्थ होता है खेल भूमि मानचित्र या फिर सजना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 20 का सी बिल्कुल सही, सजरा का अर्थ मानचित्र होता है, जो मानचित्र होता है उसी को सजरा कहा जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न है, लेखपाल के पास रहने वाले जो कागजात होते हैं उसमें खसरे में कितने खाने होते हैं, तो मैंने पहले बताया कि इस जो लेखपाल के पास खसरा होता है उसमें 22 लाइन होती है, और इसका जो है नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए क्लियर। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके कि लेखपाल के पास रहने वाले भूमि मापी यंत्र का जो आकार चिमटे के जैसा होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको प्रकार कहा जाता है। ठीक, एक गज में कितने गिरह होते हैं, तो एक गज में जो गिरह होते हैं वो 16 गिरह होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा यंत्र कृषि के उद्योग में नहीं आता है, तो कृषि के उद्योग में जो नहीं आता है वो आपका राड है। क्या है, राड है, रिज रोलर और नरंका ये आते हैं। क्लियर। वहीं पे गंटर जरीब की लंबाई कितनी फीट होती है, तो इसकी लंबाई जो होती है वो 132 फीट के बराबर होती है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे। और साथ साथ एक गज में कितने इंच होते हैं ये बताना है, तो एक गज में कितने इंच होते हैं, तो यहाँ पे 36 इंच के बराबर एक गज होती है। और वहीं पर आधा एक हाथ में कितने होते हैं, तो आधा जो है यानी कि 18 इंच होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ यहाँ 36 सही होगा। एक लाठा कितने किसके बराबर होता है ये बताना है, तो एक लाठा जो होता है वो ए और बी जैसे 99 इंच चाहे कहिए चाहे 8 फीट 3 इंच कहिए, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा गलत है, एक बिस्वा बराबर 20 धूर या 20 बिस्वांशी, एक एकड़ बराबर 32 बिस्सा, एक लाठा बराबर इतना इंच, और एक हेक्टेयर बराबर 5 बीघा, नहीं, एक हेक्टेयर बराबर जो होता है वो 3.95 बीघे के बराबर होता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, यानी कि सही तो यही है लेकिन यहाँ पे ये जो लिखा गया है ये गलत है, और यहाँ पे गलत जोड़ा बताना था आपको, तो सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बंदोबस्त का शुभारंभ सर्वप्रथम किसने शुरू किया था, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, तो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया था आप लोग को कि मानचित्र को जो घटाया बढ़ाया जा सकता है वो पेंटोग्राफ के द्वारा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिए, अपनी राय जरूर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए। बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद।